का एक बार फिर से स्वागत है ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। भिन्न भिन्न देवी माँ की श्रृंखलाओं में आज हम बात करेंगे माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी की पूजा हम छठे नवरात्रे वाले दिन करते हैं और इनका बहुत ही विशेष महत्व है, विशेषतः उन लोगों के लिए, उन कन्याओं के लिए जिनके विवाह में विलंब आ रहा है, जिनके विवाह में किसी भी प्रकार की देरी आ रही है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष बन रहा है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति बन रही है जिसकी वजह से आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आपके विवाह में देरी हो रही है, तो उस स्थिति में कन्याओं को जो कि अविवाहित है उनको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रों में विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा का प्रारंभ करें। वर्ष भर अगर आप पूरे साल माँ कात्यायनी की पूजा करती है तो ईश्वर ने चाहा कि एक साल के अंदर अंदर आपका रिश्ता होने की पूर्ण संभावना बन जाती है, पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आपकी शादी की कोई अच्छी सेटलमेंट आपको मिल जाती है। देखिए, कुंडली में जब भी हम किसी भी कन्या की कुंडली का विवाह के लिए अवलोकन करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति जरूर देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं। तो हमारी कुंडली में माँ कात्यायनी जो है वो गुरुदेव बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। गुरुदेव बृहस्पति से अगर रिलेटेड कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आ रही है, देखिए गुरुदेव बृहस्पति क्या है हमारी कुंडली में, संयम है, धैर्य है, धर्म है, हमारा अध्यात्म की तरफ झुकाव है। तो अगर जीवन में कहीं भी अनुशासन की कमी आ रही है, धैर्य में कमी है, संयम में कमी है, कन्याओं के विवाह में परेशानी आ रही है, आपको अपने एजुकेशन लेवल में परेशानी आ रही है, तो उस केस में हमें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। छठे नवरात्रे माँ गौरी के रूप माँ कात्यायनी की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में एटलीस्ट विवाह से संबंधित आ रही परेशानियां बहुत हद तक कम होती हैं। साथ साथ अगर आप विवाहित भी हैं, शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के बाद आपके जीवन में आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है, शादीशुदा जीवन का सुख नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं कोई मन मुटाव चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, तो उस केस में भी माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की उपासना आराधना से जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह में विलम्ब हो रहे हैं, उनका विवाह शीघ्रता से होता है। और अगर कहीं दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का मन मुटाव आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो वो मन मुटाव भी कम होता है, परेशानी कम होती है और आप एक अच्छा खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी पाते हैं। जिनके जीवन में भी किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है और वो माँ कात्यायनी की पूजा करके अपने जीवन में आ रही विवाह संबंधित परेशानियों को कम कर सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और एक छोटा सा भोग जो माँ कात्यायनी को विशेष प्रिय है, सबसे पहले तो उन्हें लाल रंग विशेष प्रिय है और भोग में आप उन्हें शहद का भोग लगा सकते हैं। शहद के भोग से माँ बहुत अधिक प्रसन्न होती है, आपको सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देती है, आपका शीघ्र विवाह हो उसके लिए आशीर्वाद देती है और आपके अंदर आकर्षण बढ़ाती है, आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा करती है, आप इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि दूसरे लोग अक्सर आपको देख के जैसे सम्मोहित से ही हो जाते हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।